आंटी, हम मीडिया वाला बोल रहे हैं बिहार से। हाँ, हाँ बोलिए। मतलब आप ही के बेटी हैं सालू कुमारी जी? तो ये दोनों शादी कर लिए, तो आप लोग क्यों इनको परेशान कर रहे हैं? हम कहाँ कुछ कर जब दोनों देखिए कोर्ट में जब शादी कर लिए, देखिए गलत तो ही करवे किए हैं, हम लोग भी इनको बोल रहे हैं कि गलत किए हैं। कोई भी माँ बाप पालता है तो उसको आशा रहता है कि अपना बाल बच्चा का अच्छा शादी करेंगे। आपको भी गुस्सा होना जायज है, लेकिन फिर भी मतलब करिए लिए हैं गलती, अगर बच्चा गलती कर लिया तो माफ कर दीजिए। वो देखा जाएगा। हाँ, तो आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि परेशान कर रहे हैं आप लोग। लड़की बोल रही है कि हम मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे यहाँ से। आप शादी कर लिए दोनों, अच्छा ठीक है। आप लोग को मंजूर नहीं है? हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अभी आप लोग को मंजूर नहीं है शादी आंटी? इसके पापा बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। तो इनको परेशान नहीं ना कीजिए, क्योंकि जब पूरा जब न्यूज में आ गया है, पूरा हम सब कोर्ट में शादी कर लिए, तो फिर गलत है ना? अब हमें ये सब के बारे में पता नहीं है, उसके पापा से पता है। अब हम क्या करें, कुछ नहीं कर देखिए आपके सकते। बेटी भी हैं, पर बोल रहे हैं मतलब यहीं रहेंगे। अब गुस्सा करना तो और कुछ? आप यहीं रहिएगा, यहीं पर है, मतलब दोनों बोल रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे, मतलब आप अलग अगर कीजिएगा एक बार, जैसा कि लेकिन चल भी गए हैं तो मतलब पूरा न्यूज में चला है, तो गलत कीजिएगा तो फिर आपके साथ भी मतलब कानून फिर फैसला करेगा। हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। पापा से बात कराइए, इनका बात करेंगे। पापा यहाँ नहीं, हमें होल्ड पर लीजिए ना सब कॉन्फ्रेंस पर। कुछ करना नहीं आता है। उसको पापा के फोन नंबर पता है, उसको बोलिए अपना पापा से बात करें। देखिए आंटी, हम भी बोल रहे हैं कि मतलब ये गलत तो करवे किए हैं। कोई भी माँ बाप जब पालता है अपना बच्चा को, तो सोचता है कि मतलब हम अच्छा शादी उदी कराएंगे, कोई के भी मतलब शौक रहता है, लेकिन ये गलत किए हैं, तो इनको भी तो मतलब गलत महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी से माफ कर दीजिए आप, क्योंकि आप गार्जियन हैं। जब कोई वो बच्चा गलत कहाँ किए हैं, गलत नहीं किए, बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बता सकते। जो जो बच्चा अपना जिम्मेवारी अपना खुद ले लेता है, तो माँ बाप क्या करेगा। इनको भी हम बोल रहे हैं कि आज के बाद से अगर जैसे कुछ भी दिक्कत होगा तो अपनी मम्मी पापा के पास नहीं सुनाइएगा। मतलब अगर मम्मी पापा ही नहीं सोचता है कि अच्छा से अगर शादी करेंगे तो हमके पास फिर नहीं आएगा। कोई भी सोचता है कि अपना बेटी को अच्छा घर में शादी करें, लेकिन आप लोग तो इनके भविष्य के लिए सोच रहे थे, इसलिए आपको गुस्सा होना जायज है। मैं मतलब आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब उनके भविष्य से हमें कोई लेन देन नहीं है। तो अब से परेशान करना बंद कर दीजिए ना इनको। परेशान हम परेशान कहाँ करें, हम तो कुछ भी नहीं करें, हम तो घर पे कर रहे बैठे। हैं। मम्मी कही थी केस बंद हो गया, कल फोन की यहीं पे तो कह रहे केस है। यहाँ पर इन लड़का के जो पापा हैं बोल रहे हैं कि हमको मतलब ये पुलिस पता करना कल कल तो फोन बड़ा बाबू करवे किए थे कि लड़का लड़की के लेके आइए, यहाँ कोर्ट फैसला करेगा। तो हम बोला कि हम वहाँ जाएंगे कहाँ लगे, अपना आइए यहाँ ले जाइए, और हम क्या कर सकते हैं। देखिए पूरा न्यूज में, पूरा इंडिया में पूरा फैल गया है न्यूज, तो पूरा जैसे देखिए आप गलत अगर कीजिएगा तो आपके साथ भी तो लोग गलत करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि कानून कहीं चल गया, कानून तो उसे इंसाफ करेगा ना। देखिए नाबालिग अगर, ये सब मुझे मत सुनाइए, ठीक है। हाँ उसको बोलिए अपने पापा के पास फोन लगाए और पापा से खुद डायरेक्ट बात करें, ठीक है, बात करते हैं उनसे, ठीक है। ठीक है, लगाइए। देखिए इनके मम्मी बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पर पलट रहे हैं। देखिए पुलिस यहाँ पर बोल रहा है कि मतलब हमको, आप पुलिस लेके जा रहे हैं, पुलिस थाना में जा रहे हैं, तब फोन वहाँ से आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए ग्रामीण भी है, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद। अच्छा ये मतलब शादी किए हैं, इससे आप लोग खुश हैं? हमारा समझ में ना आवा हो। कोई बात नहीं, क्या नाम हुआ सर? नंद किशोर प्रसाद। हेलो हेलो, क्या नाम है? हेलो हेलो, हाँ सर, बिहार से बोल रहे हैं सर, मीडिया से। हाँ बिहार से सर, मीडिया वाला बोल रहे हैं। कौन? मीडिया वाला, मीडिया वाला। कहाँ से? बिहार से, बिहार से। जी क्या बात है सर, आपकी लड़की शादी कर ली है कोर्ट में, तो आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? हाँ आप लोग क्यों मतलब लड़की को परेशान कर रहे हैं कोर्ट में, जब शादी कर लिए तो सालू? अरे तो ले तो किसे पूछे थी? हेलो, हाँ हेलो, ये परेशान क्यों कर रहे हैं आप लोग सर? जब कोर्ट में शादी करिए तो आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? हम परेशान कर रहे हैं नहीं, जैसा कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मतलब पुलिस से थोड़ा सा मतलब धमकी मिल रहा है। एक बार जैसा कि आप लोग लेके चल भी गए थे लड़की को,
हाँ। जब दोनों शादी करिए लिए तो गलती करवे किए ऐसे मतलब मम्मी पापा के मन से नहीं किया, अपना मन से करिए तो गलती करवे किया। गलती हुआ तो फिर गलती का भुगताना भी तो करना पड़ेगा। अब तो शादी कर लिया कोर्ट में रे ना, तो अब तो गलत कीजिएगा तो आप भी फंसिएगा ना। अब तो कोर्ट में शादी कर लिया पूरा न्यूज में आ गया तो आप भी तो फंसिएगा, आप कानून तो आपके भी साथ फैसला करेगा। अरे मैं इसको फंसूंगा। जैसे अब ये दोनों कोर्ट में शादी कर लिया, दोनों पति पत्नी हो गया, आप दोनों का अगर तंग कीजिएगा तो आप भी तो फंसिएगा इसमें। कैसे फंसेंगे? कोर्ट मैरिज का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे ठीक है लिखा हुआ है, पहले लेकर बोल देना आ जाए वहाँ पे बलिया, उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे। सुनिए ना सर, कहीं नहीं जाएंगे दोनों, घर पर जो भी आइए आप लोग, आप यहाँ पर मीडिया वाला भी रहेंगे, प्रशासन भी रहेंगे और कोर्ट कोर्ट वाला भी, वकील भी रहेंगे, सब रहेंगे। आप लोग आइए इसके घर पे, आप लोग के पास क्यों जाएगा ये? मीडिया भी रहेगी पूरा। हम बार बार उसके दरवाजे पे आते रहेंगे, वो हमारे दरवाजे पे नहीं आ सकता है बलिया जिला में। ये क्यों जाएगा मतलब, ये क्यों जाएगा मतलब, जब शादी करी है तो क्यों जाएगा मतलब? शादी कर लिया तो क्या हमसे पूछ लिया है कि आज मेरा 50,000 नगद ले गई है, सोने का चैन ले गई है, कान का? सही बात है नहीं, झूठ बात है। सही बात है नहीं, झूठ बात है। बताइए तो बोल रहे की झूठ है। आप लोग ऐसे ब्लेम नहीं लगाइए किसी पे। देखिए कोर्ट से जब शादी कर लिया तो इसको कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है? पूरा जब न्यूज में आ गया, पूरा न्यूज में आप लोग देखिएगा, ग्रेजुएट न्यूज पर देखिएगा आप लोग। हम देख रहे हैं न्यूज में, ऐसा कोई बात नहीं है सर। तो मतलब हम आपके साथ, आपके साथ कोर्ट भी फैसला करेगी ना, जब कोर्ट से शादी कर लिया तो पूरा सरकार इसका वैल्यू दिए हुए है, केंद्र सरकार राज्य सरकार सभी वैल्यू दिए हुए है। जब दोनों बालिग है तो आप लोग परेशान क्यों कर रहे हैं? उससे बोलिए हमारे 50,000 रुपए जो ले गए। कहां सोने का चैन इनके पास है? नहीं मिला है? कुछ नहीं लेके आई हूँ मैं। मैं कहाँ लेके आई हूँ मम्मी? चैन बक्से में होगा तो? चैन बक्से में नहीं है? बक्से में चैन नहीं है का? झूठ ऐसे नहीं बोलिए किसी पर। मतलब आपको पैसा चाहिए? इतना पैसा तो बक्से में ही था और चैन भी बक्से में ही था, मैं कहाँ निकालू उसमें से? नहीं लेके आए? नहीं लेके आए? नहीं लेके आए। आप लोग कैसे ब्लेम लगा रहे हैं जी? देखिए आप लोग को गुस्सा होना जायज है, ठीक है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन ऐसे मत कीजिए, झूठ किसी पर नहीं लगाइए। देखिए जहाँ अभी अपना दर्ज कराए हैं वहाँ भी हमारा लिखा गया है कि इतना इतना सामान गया है। पुलिस प्रशासन भी मतलब कानूने पर चलते हैं, इंसाफ दिलाते हैं, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन मतलब है, आप जो बोलिएगा सुनेंगे। ये वीडियो पूरा जा रहा है, ये दोनों साथ में है, कुछ लेके नहीं आया? कुछ नहीं। आप बोलिएगा तो आपको बात को कैसे मान लिया जाएगा? ये बोलेंगे दिन का बात नहीं माना जाएगा, आप ही के बेटी ने। गलत नहीं बोलिए आप, इंसाफ। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम अपना जो दर्ज कराए हैं ना, हम थाना पर चल रहे हैं। वैसे तो ये भी बोल सकते ना कि हमको ही प्रताड़ित करता था, ये करता था, ये तो मतलब ये भी गलत बोल सकते हैं वैसे। जो भी कुछ हमसे पूछ के थोड़ी ना किए। आप परेशान नहीं कीजिए, मेरा हम लोग का कहना यही है कि आप परेशान नहीं कीजिए, कहीं नहीं ये सब जाएंगे, ठीक है? रखिए, देखिए इस वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पुलिस प्रशासन तक पहुंचाइए और योगी सरकार तक भी पहुंचाइए। योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मदद मांगना चाहते हैं? क्योंकि आपको तो फैसला सरकारें दिलाएगी ना, कानून पर विश्वास है आपको? हाँ है। लेकिन यहाँ पर तो आपके मम्मी पापा मतलब गलत ब्लेम लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ लगा रहे हैं। हाँ, कैसे बोलिए थोड़ा? लगा रहे हैं हम पे। आप सही में लेकर आए हैं कि झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हैं, हम कुछ लेकर नहीं आए हैं। हाँ जी जी, कुछ नहीं लेकर आई है। आप लोग से पैसा मांग रहे हैं? पैसा हम कहाँ से देंगे? जब जी बोल सकते हैं ना। हाँ मतलब सरासर झूठ है, सरासर झूठ है, सरासर झूठ है ना। बहुत ज्यादा आप लोग को बुलाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। हम्म, आप लोग कहीं नहीं जाना है आपको? कहीं नहीं जाना। देखिए इनको कहीं नहीं जाना है और यहाँ पर देखिए कुछ गांव के लोग भी हैं। अच्छा सर, शादी कर ली है तो मतलब लड़की को ले जाना अच्छा है? डॉक्यूमेंट आपके सामने सब कुछ है तस्वीर। आप कैसे इसको देखते हैं, मतलब ऐसे करना जायज होगा कि नाजायज होगा? मतलब बढ़िया ले जाना, तो कर लिया तो जायज है, रखना तो जायज है इनको, तो जायज है, लेकिन ले जाना तो नाजायज है? क्योंकि जब कोर्ट जब वैल्यू दे दिया पूरा हाई, मतलब ये को क्या होता है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। जब बिहार सरकार भारत सरकार सब वैल्यू दे दिया है तो फिर ले जाना तो फिर गलत बात है ना? गलत है। अभी आप सुन रहे थे ना, मतलब आप लोग भी गांव के हैं, मतलब आप लोग भी बताइए।
आप बताइए, जब जोधपुर से है कोर्ट मैरिज कर ही लिया है, दोनों बालिग है ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए इनको, क्या मिलना जो चाहिए? भी उधर से क्लेम आ रहा हो तो गलत है, गलत है ना। अच्छा, आप आरोप लगाए गए, अपील करना चाहते सरकार से, अब इसको आप अपील क्या करें, हम अपना साथ रहेगा। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए, देखिए दोनों का कहना एकदम सरासर गलत है, इनके मम्मी पापा के द्वारा लगाया गया इल्जाम मतलब सरासर एकदम गलत है। हाँ, गलत है। चलिए, आप लोग यहाँ पर रहिए और आप दोनों खुश हैं ना? हाँ, बहुत ज्यादा खुश हैं। चलिए, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव, जय हिंद।